नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए, ये हम नीटिंग पैटर्न बनाएंगे। ये पैटर्न बहुत सुंदर बनकर आता है। आप इसको लेडीज़ के, गर्ल्स के किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। कार्डिगन में डालिए, या कोई बच्चे का फ्रॉक बना रहे हैं, स्कर्ट डाल रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें फ्रंट में डालें, बैक में डालें, सारे में डालें, बहुत अच्छा बनकर आता है। यहाँ मैंने बनाया है तीन तीन, ये बनाए, दो बनाए, ये फिर ये तीन बनाए। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, तीन, दो और एक, जैसे घेरे पर बना रहे हैं स्कर्ट के या फ्रॉक के, तीन, दो और एक बनाकर ऐसे भी उसको सेट कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे भी बनाएं। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 14 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं। यहाँ से यहाँ तक ये 14 है, फिर 14 और फिर 14। 14 के मल्टीपल में फंदे लेके प्लस वन करना है, और उसके बाद एस के फंदे लेने हैं। एस के फंदे आप एक लें, दो लें, सीधा बनाएं, उल्टा बनाएं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैंने एस के फंदे दो दो लिए हैं, दो इधर लिए हैं उल्टे बनाए हैं, दो इधर लिए हैं उल्टे बनाए हैं। इस पैटर्न में फंदे घटते बढ़ते हैं, और स्टार्टिंग से यहाँ पर एक जो फंदा घटता है उससे इसमें कर्व आने लगता है। ऐसे उस कर्व को सेटल करने के लिए, फिक्स करने के लिए दो दो फंदे इधर उधर उल्टे लिए हैं, दो इधर लिए हैं, दो उधर लिए हैं। तो आइए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये मैंने दो बार 14 लिए हैं, 14 प्लस 14 18, 14 प्लस 14 28, और एस के फंदे। यहाँ पर मेरी ये दो सिलाई बनाऊंगी, एक सीधी और एक उल्टी। ये बेस की सिलाई है, एक सीधी उल्टी, ये बार बार नहीं बनेंगी, सिर्फ एक बार ही बनेगी। तो ये एक सीधी और एक उल्टी सिलाई में बनाऊंगी। यहाँ पर मैं दो फंदे बढ़ाऊंगी, जितने भी आपको फंदे बढ़ाने हैं वो यहाँ पर आप बढ़ा लीजिए। एक फंदा यहाँ पर मैंने बढ़ा दिया, एक फंदा अभी बीच में और बढ़ाऊंगी। ऐसे करके एक सीधी और एक उल्टी सिलाई कर लेंगे। इस पैटर्न को आप किसी भी कलर में बनाएं, ये बहुत सुंदर बनकर आता है, और बनाने में भी बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, फंदों का बढ़ते घटते हैं तो उनका थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक फंदा यहाँ बढ़ा लेती हूँ, दो फंदे मेरे बढ़ गए। तो 14 प्लस 14 28 प्लस 1 29, और दो फंदे दोनों साइड्स पे उल्टे लूँगी। तो उसके बाद 29 प्लस 4 33 स्टिचेस ये हो जाएंगे। उल्टी सिलाई है, इसको पूरा उल्टा कर लेते हैं। ये दो बेस की सिलाई हो गई, एक सीधी और एक उल्टी। ये सिर्फ एक बार करनी है, इनको बार बार रिपीट नहीं करना। उसके बाद ये 12 रोज का पैटर्न है। यहाँ से यहाँ तक 12 रोज है, फिर ये 12 रोज है, 12 रोज ये और 12 ये, 24 रोज में ये पैटर्न हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाता है। अब देखिए, दो फंदे एस के हैं, इनको मैं उल्टा बनाऊंगी, इससे मुड़ता नहीं और कर्व नहीं आएगा। यहाँ से पैटर्न शुरू होगा, एक फंदा सीधा जो हमने 14 प्लस 14 और एक एक्स्ट्रा लिया था, वो ये फंदा है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये छः फंदे हो गए। एक फंदा जो एक्स्ट्रा था, एक फंदा बनाने के बाद दो चार छः हो गए। अब ये जो फंदा है सीधा, इसके हम एक के साथ बनाएंगे।
एक बनाया, थ्रेड आगे करा, फिर एक बारी बनाए, तीन हो गए, फिर थ्रेड आगे करेंगे, ये पांच हो गए, और ये थ्रेड आगे करेंगे, इसको हम सात बना लिया। इनको ना तो बहुत ज़्यादा लूज रखना है, ना बहुत ज़्यादा टाइट करना है। अब देखिए हमने क्या करा था, एक फंदा बनाया, छः लिए, इसके हमने एक के साथ करे, तो ये हमारे सात, छः और एक के साथ जो करा है सात हो गए। आगे सात फंदे सीधे लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, यहाँ से यहाँ तक हमारे 14 स्टिचेस हो गए। इसके बाद फिर से हम छः फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः हो गए। इस फंदे को हम एक का साथ करेंगे, एक थ्रेड आगे करा, दो और ये तीन हो गए, फिर थ्रेड आगे करेंगे, पाँच हो गए, फिर थ्रेड आगे करा, एक बारी और बनाया तो ये सात हो गए। छः फंदे बनाए और ये सातवां फंदा था जिसके हमने एक के साथ करे। अब यहाँ सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, आखिर के दो फंदे हैं इसके, इनको उल्टा बना लेंगे। ये हमारी पहली सिलाई हो गई। दूसरी सिलाई है और उल्टी सिलाई है। इस पूरे प्रोजेक्ट में उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। तो ये हम पहले फंदे बना लेंगे, दो तो ये थे उल्टे थे, और सात फंदे ये बनाएंगे, तीन चार पाँच छः सात फंदे हो गए। ये जो हमने एक के साथ करे थे इनको एक एक करके सातों को बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, सात फंदे हो, और ये करके अब ये छः फंदे, एक दो तीन चार पाँच छः, ये एक बार का यहाँ से यहाँ तक हो गया। अभी दूसरी बार का सात फंदे बनाएंगे, तीन चार पाँच छः और ये सात। अभी जो सात फंदे हैं जो हमने एक के साथ बनाए थे, उन्हें एक एक करके सबको एक उल्टा बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। अभी आगे के सात फंदे हैं, इनको उल्टा बनाएंगे, और जो आखिर के दो फंदे हैं इसके, उनको भी हम उल्टा बनाएंगे। इसके फंदे हमेशा उल्टे बनेंगे, सीधी सिलाई में भी, उल्टी सिलाई में भी, और उल्टी सिलाई इसमें हमेशा उल्टी होगी। 12 रोज का पैटर्न है, दो सिलाई हमारी हो गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए हमें क्या करना है। दो फंदे इसके थे, उनको उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ये जो एक्स्ट्रा फंदा था वो है। इन छह फंदों में यहाँ से अब हमारा पैटर्न शुरू होगा। ये दो फंदे, एक दो, दो का एक करेंगे, दो का एक करने के बाद दो फंदे सीधे बनाएंगे, दो का एक करा, एक फंदा सीधा बनाया था जो एक्स्ट्रा था, दो का एक करा, दो फंदे सीधे बनाए, थर्ड आगे करके ये दो फंदे पलट कर बैक लूप से दोनों को एक बनाएंगे, एक फंदा यहाँ घटेगा, ये बढ़ गया, फिर थ्रेड आगे करेंगे। अभी जो सात फंदे थे एक के हमने सात बनाए थे, इनमें से जो पहले वाले दो फंदे हैं इनको ऐसे पलट कर दो का एक करेंगे। अब ये फंदे सीधे बनाएंगे, दो का एक करा, तीन फंदे सीधे बनाए। अभी जो दो फंदे हैं, सात में से दो बचे हैं हमारे पास, दो का एक करा। अब ये जो दो फंदे बचे हैं इनको दो का एक करेंगे, नॉर्मल ऐसे करेंगे, यहाँ घटा है, थ्रेड आगे करा, फिर से ये दो का एक कर लिया, थ्रेड आगे करेंगे, यहाँ घटा ये बढ़ गया, यहाँ घटा ये बढ़ गया। थ्रेड आगे करने के बाद
दो फंदे सीधे, दो फंदे सीधे करने के बाद इन दो फंदों को पलटकर दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब फिर से जो हमने इन फंदों में करा था वो करेंगे। क्या करा था हमने? दो का एक करा था। दो का एक कर लिया, जो हमने यहां से करा था वही शुरू करा। दो का एक करा, दो फंदे सीधे, थ्रेड आगे करेंगे, इन दो फंदों को पलटकर दो का एक करेंगे। ये फंदा बढ़ा, दो का एक कर लिया, यहां घट गया, फिर थ्रेड आगे करेंगे। और जो एक के साथ बनाए थे इनमें से पहले दो फंदे पलटकर इनका दो का एक कर लेंगे बैक लूप से। यहां बढ़ा, यहां घटाया, यहां बढ़ा, यहां घट गया। अब ये तीन फंदे सीधे करेंगे। फिर ये जो आखिर के दो फंदे बचे हैं, सात में से दो का एक करा, तीन बना, ये जो दो बचे हैं इनको भी दो का एक कर लेंगे। थ्रेड आगे करेंगे, फिर ये दो का एक करेंगे। थ्रेड आगे करेंगे, दो फंदे सीधे, दो का एक करेंगे। और एक फंदा सीधा, जो हमने स्टार्टिंग से करा था, एक फंदा सीधा लिया था, दो का एक करा था, वही हमने एंड में करा है। जो हमने पैटर्न की पहली सिलाई बनाई थी उसमें हमारे छह छह फंदे बढ़ गए थे। एक बार के यहां पर बूटी में छह फंदे बढ़े थे, छह यहां बढ़े थे, छह यहां बढ़े थे। ये छह छह फंदे, जो ये छह फंदे हमें तीन बारी में घटाने हैं दो दो करके। तो यहां हमने दो यहां से घट गए हैं, दो यहां से हमारे ये घट गए। उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे। चार सिलाई हो गई, पांचवी सिलाई है और सीधी सिलाई है। दो फंदे हैं इसके, ये बना लेंगे उल्टे। एक फंदा सीधा, दो का एक करेंगे, दो फंदे सीधे, थ्रेड आगे करेंगे, दो फंदों को पलटकर दो का एक बनाएंगे। एक फंदा यहां घटा, एक यहां घटा, एक बढ़ गया। थ्रेड आगे करेंगे, फिर ये दो का एक करेंगे। अब एक फंदा सीधा, ये दो का एक करेंगे। थ्रेड आगे करेंगे, दो का एक करेंगे, फिर थ्रेड आगे करेंगे और ये दो फंदे सीधे। यहां पर जो हमारे फंदे घटे वो साथ साथ बढ़ गए। यहां घटा, बढ़ गया, घटा, बढ़ गया। ये जो हमने फंदा घटाया है, और अब एक फंदा यहां पर घटाएंगे, ये वो फंदे हैं जो हमने एक के साथ करे थे। छह फंदे बड़े थे, दो पहले वाले में घट गए और दो इसमें घट जाएंगे। दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर दो का एक करेंगे। ये हमारा यहां से जो हमने स्टार्ट करा था वो हो गया स्टार्ट। दो का एक करेंगे, दो फंदे सीधे, दो फंदे सीधे करने के बाद थ्रेड आगे करेंगे, ये दो फंदे पलटकर दो का एक करेंगे, बैक लूप से दो का एक बनाएंगे। ये फंदा बढ़ा, ये घट गया, थ्रेड आगे करेंगे, अभी जो फंदे हैं इनको दो का एक करेंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर ये दो का एक करेंगे, थ्रेड आगे, फिर ये दो का एक, फिर थ्रेड आगे, दो फंदे सीधे, दो फंदे पलटकर दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा और दो फंदे आगे।
आखिर के इसके उल्टे। तो हमने क्या करा, जो हमारे फंदे बड़े थे उसमें से हमारे चार फंदे घट गए, दो फंदे घटाए थे पहले, दो फंदे यहां पर घट गए। यहां पर जो हमारे फंदे हैं ये घटते हैं तो बढ़ते हैं, घटते हैं बढ़ते हैं। ये जो हमने फंदे घटाए हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, चार जो फंदे घटे हैं ये जो हमने एक के छह करे थे उसमें से घटे हैं। उल्टी सिलाई है, इसको पूरा उल्टा करेंगे। सीधी सिलाई है और सातवीं सिलाई है, छह सिलाई हो गई। एक में तो ये फंदे बढ़ाए थे और दो बार ये जाली हो गई है, तो चार ये हो गए। अब देखिए, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। यहां पर भी हम दो का एक करेंगे और ये दो फंदे सीधे। थ्रेड आगे करेंगे, दो का एक करेंगे, फिर थ्रेड आगे करेंगे। अब ये तीन फंदे हैं, इन तीन का एक करना है। दो फंदे उतार लिए, इस फंदे को बना लेंगे और अब ये दोनों फंदे इसके ऊपर से एक एक करके उतारें, चाहे दोनों इकट्ठे उतारें, जैसे भी आप उतारना चाहें वैसे कर सकते हैं। ये हो गया, ये तीन का यहाँ पर एक हो गया। थ्रेड आगे करेंगे, जो फंदे इकट्ठे थे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। फिर थ्रेड आगे करेंगे, दो फंदे सीधे, दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा। ये जो हमने यहां से स्टार्ट करा था बनाना, एक फंदा सीधा, अब ये वहां से फिर से बनाएंगे। एक फंदा सीधा लिया है, दो का एक कर लिया, दो फंदे सीधे, थ्रेड आगे करेंगे, दो को पलट कर ये दो का एक करेंगे। फिर थ्रेड आगे करेंगे, अब ये तीन फंदे हैं इनको एक उतार लेंगे, एक फंदा बनाएंगे। इन दोनों फंदों को इसके ऊपर से हमें उतारना है, एक उतार एक एक करके उतारें, चाहे दोनों को इकट्ठा करके ऐसे उतार लेंगे। तीन का एक हो गया, थ्रेड आगे करा, दो फंदों का एक बनाएंगे। यहाँ घटा था, यहाँ बढ़ गया, अभी जो घटा है यहाँ पर ये बढ़ गया। दो फंदे सीधे, दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा और आखिर के दो फंदे उल्टे। अब जो हमारे छह फंदे एक बूटी में छह बड़े थे, छह यहाँ वो सब बराबर हो गए। अब ये हमारे जितने फंदे हमें हमने डाले थे यहाँ पर, 28 प्लस 29 और दो दो इधर के, 29 प्लस 4 करके 33 है, ये हमारे फंदे हो गए। अब ये उल्टी सिलाई है, इसको पूरा उल्टा बनाएंगे। आठ सिलाई हो गई है, सीधी सिलाई है और नौवीं सिलाई है, दो फंदे तो ये उल्टे बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें फंदे घटाने नहीं है, हमारे पास जो फंदे जितने थे उतने ही है, ये फंदे हम सीधे बनाएंगे। इस फंदे सीधे हो गए। अब हम क्या करेंगे, थ्रेड आगे करेंगे, दो फंदों को पलट कर एक करेंगे। ये जो फंदा है बीच का, इसको सीधा बनाएंगे, फिर ये एक दो, इन दो का एक करेंगे और थ्रेड आगे करेंगे। अब ये सारे फंदे जो बीच के थे सारे सीधे बन जाएंगे, हमें कोई भी फंदा घटाना नहीं है। ये फंदे सीधे हो गए, थ्रेड आगे करेंगे, इन दो फंदों को पलट कर दो का एक करेंगे। ये जो बीच का फंदा है इसको सीधा बना लेंगे और फिर से इनका एक करेंगे, थ्रेड आगे करेंगे और सारे फंदे ये सीधे बनाएंगे। ये देखिए, ये बूटी ऐसे आएगी, यहां घटाया, तीन फंदे सीधे लिए जो बीच का था वो, और एक ही तो हमने घटाया ना, दो का एक करा, यहाँ दो का एक करा और बीच का फंदा ये तीन हो गए। अब ये फंदे सीधे बनाएंगे और आखिर के दो फंदे हैं इसके, उनको उल्टा बना लेंगे।
ये हमारी 9 सलाई हो गई है। 10वीं सलाई है उल्टी है, 11वीं सलाई है और सीधी सलाई है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें। हर एक सलाई में पैटर्न है। अब ये फंदे सीधे बनाएंगे। 3, 4, 5 और ये 6, 6 फंदे सीधे बना लिए। थ्रेड आगे करेंगे, इन 3 फंदों का एक करेंगे। ये दोनों फंदे इस पे से उतार देंगे, एक एक उतार है, दो उतार है, आपकी मर्जी है, जैसे भी आप उतार सकते हैं। थ्रेड आगे करेंगे, ये सारे फंदे सीधे बनेंगे बीच के। छ, 7, 8, 9, 10 और ये 11 फंदे सीधे हो गए। थ्रेड आगे करेंगे, इन 3 फंदों का एक करेंगे। एक फंदा बना लेंगे और फिर उसके ऊपर से दोनों फंदे उतार देंगे। यहाँ 2 का एक कर, 3 का एक करा, 2 फंदे घटे, एक ये बढ़ गया। फिर थ्रेड आगे करेंगे और ये फंदे सीधे बनाएंगे। ग्यारह सिलाई हो गए। एक बार की ये बूटी हो गई, उल्टी सिलाई है, 12वीं सिलाई, इसको पूरा उल्टा बनाएंगे। 12 सिलाई हो गई, एक बार की ये हमारा पैटर्न हो गया। इसी को हमें रिपीट करना, प्लेस चेंज होगी। ये जो बीच की आपको लाइन नजर आ रही है, देखिए ये लाइन जिसकी हमने इधर उधर घटाए थे, इधर एक इधर घटाए थे, ये बीच की लाइन। अब हमें पैटर्न जो बनाना है इस पर बनाना है, तो इसके हम एक के साथ करेंगे। उससे पहले फंदे हम जो है ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14 स्टिचेज इधर और 14 स्टिचेज इधर सीधे बनाएंगे। 29 टोटल स्टिचेज हैं और इस पर हम पैटर्न बनाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा फंदे हैं, प्रोजेक्ट जो होगा वो तो ज़्यादा फंदों का होगा, तब आप इधर उधर बूटी बनाए। मेरे पास कम फंदे हैं इसलिए मैं सिर्फ एक ही बार यहाँ पर बूटी बनाऊंगी, इधर मैं नहीं बनाऊंगी कुछ भी। दो उल्टे लेने के बाद ये 14 सीधे हो जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, 14 हो गए, 14 स्टिचेज हो गए। बीच वाली लाइन है, इस पर हम पैटर्न बनाएंगे। 14 इधर है और 14 इधर है, बीच वाली जो लाइन है इस पर हम बनाएंगे। तो हम इसको एक का साथ करेंगे। एक हो गया, थ्रेड आगे करके एक बार हो गया, 3 हो गए, फिर थ्रेड करा, ये 5 हो गए और ये फिर 7 हो गए, 7 हो गए एक के। अब ये 14 स्टिचेज इनको सीधा बनाएंगे। ये 14 स्टिचेज सीधे हो गए, 2 फंदे आखिर के इनको उल्टा बना लेंगे। उल्टी सिलाई है, पूरी उल्टी करेंगे और ये जो 7 फंदे हैं इनको भी एक एक करके सबको उल्टा बना लेंगे। सीधी सिलाई है, 2 फंदे तो उल्टे बनाएंगे और 8 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये जो हमने एक का साथ करा था, इससे पहले 6 फंदे, 2, 4, 6 और इसके बाद के 6 फंदे, इनमें हमारा पैटर्न ये ऐसे डलेगा। बीच का ये फंदा लेके 6 इधर और 6 इधर। तो हम क्या करेंगे, 2 का एक करेंगे, 2 फंदे सीधे, थ्रेड आगे करेंगे, 2 फंदों को पलटकर 2 का एक करेंगे। फिर थ्रेड आगे करेंगे, ये जो 7 फंदे थे इसमें से जो पहले वाले 2 फंदे इनको पलटकर एक करेंगे।
तीन फंदे सीधे बनाएंगे, जो सात थे उसमें से दो का एक कर दिया और ये तीन फंदे सीधे, दो का एक करा, एक दो तीन, अभी जो दो फंदे हैं इनका फिर हम दो का एक करेंगे, थ्रेड आगे करेंगे। तो ये जो फंदा यहाँ घटा ये थ्रेड आगे करने से बढ़ गया, फिर दो का एक करेंगे, ये जो घटा थ्रेड आगे करा यहाँ बढ़ गया। यहाँ पर जो हमने दो फंदे घटाए दो हमारे बढ़ गए। इससे पहले जो हमने ये फंदा घटाया है वो हम जो एक के साथ करे थे इसमें से हम घटाना शुरू करेंगे। छह फंदे बढ़े थे, एक यहाँ घट गया, अभी थ्रेड आगे करेंगे, दो सीधे बनाएंगे और दो का एक करेंगे। दो फंदे घट गए, एक यहाँ घटा, एक यहाँ घटा, जो यहाँ पर बीच में फंदे थे जो दो घटे थे वो दो बढ़ गए थे, इधर यहाँ घटे थे यहाँ बढ़ गए। ये जो हमने दो फंदे घटाए हैं ये जो एक के छः करे थे छः में से दो घट गए, चार अभी हमारे रह गए। ये फंदे सीधे बनाएंगे, दो फंदे उल्टे, उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा। दोबारा पैटर्न के चार सिलाई हो गई, यहाँ बढ़ाया था फिर उल्टी करी, फिर यहाँ पर हमने शुरू करा है घटाना, फिर उल्टी सिलाई करी, चार हो गई। पांचवी सिलाई है, दो फंदे स्टार्टिंग के उल्टे बनाएंगे, आठ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात और एक आठ, दो का एक करेंगे, दो फंदे सीधे, थ्रेड आगे करेंगे, दो को पलट कर दो का एक करेंगे, फिर थ्रेड आगे करेंगे, इन दो फंदों को पलट कर दो का एक करेंगे। अभी बीच का फंदा एक बचेगा, एक बच गया, अब ये दो का एक करेंगे, थ्रेड आगे करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, घटा बढ़ गया, फिर ये घटा है थ्रेड आगे करेंगे यहाँ बढ़ गया। ये जो हमने फंदा घटाया ये जो एक के हमने साथ करे थे तो दो फंदे पहले घट गए थे, दो फंदे यहाँ पर ये घट गए, फिर ये दो फंदे सीधे, दो का एक, और ये दो चार छः आठ, आठ फंदे सीधे। उल्टी सिलाई, सातवीं सिलाई है और सीधी सिलाई है, दो फंदे उल्टे, ये फंदे सीधे बनाएंगे, तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, आठ हो गए। ये दो फंदों का एक करेंगे, दो फंदे सीधे, थ्रेड आगे करेंगे, इन दोनों फंदों को पलट कर एक करेंगे, थ्रेड आगे करने से फंदा बढ़ा ये घट गया। ये जो हमने फंदा घटाया जो हमने बढ़ाए थे एक के साथ करे थे उसमें से अब ये हमारे घट जाएंगे और ये पूरे फंदे हो जाएंगे। थ्रेड आगे करके तीन फंदों का एक करेंगे, दो फंदे उतार के तीसरा फंदा बना लिया, अब इन दोनों को इसके ऊपर से उतार देंगे, एक एक करके उतारें या दोनों को उतारें, ये तीन का एक हो गया। थ्रेड आगे हुआ, दो का एक बनाया, फिर थ्रेड आगे करा, दो फंदे सीधे, यहां जो एक तीन का एक करा था एक बढ़ गया, यहां जो घटाया था एक बढ़ गया, अभी दो फंदे सीधे, दो फंदों का एक करेंगे। यहां पर हमारे जो फंदे घटे थे वो पूरे हो गए, छह फंदे बड़े थे, जो फंदे बड़े थे वो घटे, जो फंदे बड़े थे वो पूरे घट गए, छह फंदे बड़े थे, छह के छह फंदे हमारे यहाँ पर ये घट गए।
उल्टी सिलाई है, इसको पूरा उल्टा बनाएंगे। नौवीं सिलाई है और सीधी सिलाई है, दो फंदे उल्टे बनाएंगे। दस और ये 11 फंदे और ये 12, 12 फंदे सीधे बन गए। थ्रेड आगे करेंगे, इन दो फंदों को पलटकर दो का एक करेंगे। ये बीच का फंदा है, इसको सीधा बनाएंगे, फिर से ये दो फंदे पलटकर दो का एक कर लेंगे। थ्रेड आगे करेंगे और ये फंदे हमारे सीधे बन जाएंगे। आप आखिर के दो फंदे हैं उल्टे, इनको उल्टा बना लेंगे। नौ सिलाई हो गई, दसवीं सिलाई है और उल्टी सिलाई है, 11वीं सिलाई है और सीधी सिलाई है। दो फंदे उल्टे बना लिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 फंदे, 13 फंदे ये और 13 फंदे ये, बीच के 3 फंदे, 29। ठीक है, अब ये क्या करना है, हमें इन 3 फंदों का एक करना है। थ्रेड आगे करेंगे, दो फंदे उतार लेंगे, तीसरा फंदा बनाएंगे और इन दो फंदों को इनके उसके ऊपर से उतार देंगे। फिर थ्रेड आगे करेंगे और ये फंदे सीधे बना लेंगे। थ्रेड आगे करके ये फंदे, 13 फंदे हैं, इनको बना लेंगे सीधा। ग्यारह सिलाई हो गई, दोबारा पैटर्न की 12 सिलाई का है, उल्टी सिलाई है, इसको पूरा उल्टा करेंगे। ये देखिए ये पैटर्न हो गया और कितना ये सुंदर लग रहा है। आप इसको टॉप में डालें, कार्डिगन में डालें और किसी भी कलर की वो लो, ये बहुत सुंदर बनकर आता है। बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार ही थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे तो फिर ये इजी हो जाएगा। ये इसका फ्रंट है, फ्रंट से ऐसा लगता है और ये इसका बैक है, बैक से ये ऐसा नजर आता है। जब इसको बनाएंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अंदर वाली जाली है ये 3 आएंगी, 1, 2, 3 जाली बनेंगे, और ये बाहर वाली है आउटर, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जाली बनेंगे। तो आप भी इसे बनाइए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ ऐसे सुंदर सुंदर पैटर्न देखने के लिए। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।